मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है और इंदौर आर्थिक राजधानी इंदौर मध्य प्रदेश की वो भी लगातार भीगती नजर आ रही है। और खास बात तो यह है कि जिस तरह से कल रात से बारिश का दौर शुरू हुआ है, बेहाल वातावरण कर दिया है। बारिश जिस अंदाज में हो रही है, लगातार पश्चिम क्षेत्र में देखा जा रहा है कि घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ, और जिस अंदाज में रात 8 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ है, पूरी रात रुक रुक कर बारिश होती रही, लेकिन शुरुआती दौर में जिस अंदाज में बारिश हुई है उससे द्वारकापुरी से दर्जन भर कॉलोनियां जो कि निचले इलाकों में कहलाती है, पुरानी कॉलोनियां कहलाती है, इसके मेंबर 78 की बात की जाए, प्रजापति नगर की बात की जाए, प्रजापति नगर के राम मंदिर के पास के हाल तो बेहद बेहाल देखे गए। जब सड़कों पर चलते वाहन जिस दिशा में जा रहे थे उसके विपरीत दिशा में वो बहते नजर आए, कई वाहन चालक उन गाड़ियों में फंस गए, हालांकि जैसे तैसे वो अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। यही स्थिति करीब करीब दूसरे इलाकों की भी रही है जहां पर तेज बारिश हुई और कम समय में ज्यादा बारिश होने के कारण इस तरह के हालात बने, भयावह स्थिति थी। यही कारण है कि जो आसपास के रहवासी थे वो तो डरे हुए सहमे हुए नजर आए हैं, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो वाहन चालक थे जो अपने घरों की ओर अपना कामकाज निपटा कर जाने की कोशिश कर रहे थे उनको बारिश और ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ा। और जब बारिश लगातार बढ़ती चली गई, सड़कें नदी नाले का रूप लेने लगी तो लोगों को लगा वाकई जबरदस्त बारिश इंदौर शहर में हो रही है। पश्चिम इलाका जो है, पश्चिम क्षेत्र का इलाका जो है जलमग्न देखा गया, दर्जन भर कॉलोनियां तो डूबी डूबी नजर आई। निचले क्षेत्र होने की वजह से जिन जिन घरों में पानी घुसा उन परिवारों की रात यूं कहे कि जागने में ही निकल गई, पूरे रात भर रहवासी जागते नजर आए, क्योंकि कई लोग तो इस दौरान बचाव कार्य में भी लगे रहे। कहा यहाँ तक के जा रहा है कि जिस अंदाज में लोग आना जाना कर रहे थे, तेज बारिश की वजह से जब बारिश का पानी सड़कों पर बढ़ा तो लोगों को रस्से डालकर भी निकालना पड़ा। हालांकि इंदौर नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर जो है कल उनका भी एक तेज बारिश से सामना और वो मौके पर पहुंचे, निगम अधिकारी इस दौरान उनके साथ थे और कहीं ना कहीं वो शुरुआती इंतजाम करते देखे गए। हालांकि रात होने की वजह से उतना कार्य नहीं हो पाया और रात में जब पानी बढ़ता चला गया, देर रात पानी फिर पानी का स्तर जो नीचे गया, लेकिन धीमी बारिश का दौर रात भर से जारी है। यही हालात जो है पश्चिम क्षेत्र के विभिन्न कॉलोनियों के थे, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में राहत रही, बारिश होती रही पूरी रात, लेकिन बारिश धीमी गति की से होने के कारण इस क्षेत्र के जो नाले है उनमें उतना पानी नहीं देखा गया। हालांकि लगातार जिस तरह से मालवा निमाड़ की भी बातें की जा रही, लगातार पानी गिर रहा है। देवास जिले की भी बात की जाए तो बागली क्षेत्र में काफी पानी गिर रहा है। इंदौर की ही बात की जाए तो इंदौर नगर निगम के अंतर्गत आने वाला जो यशवंत तालाब है उसके भी साइफान खोलना पड़े, साथ ही जब यहाँ भी पानी बढ़ता गया तो गंभीर डैम के 2 गेट खोलना पड़े। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी देखा जा रहा है, लगातार पानी गिर रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि अब हालात जो है दिन में यदि पानी कम होता है तो हालात सामान्य होते नजर आएंगे। बालकृष्ण मुले, ACN भारत, इंदौर।